इस वक्त मौजूद हम बुलंदशहर के SSP कार्यालय पर। यहाँ जो गोश्त व्यापारी हैं अपने ज्ञापन देने के लिए हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, क्या बुरा मामला? ठीक है, नाम आपका? मेरा नाम आसिफ है। जब बताया जो ज्ञापन देना है, क्या बुरा मामला? मामला ये है कि नगर कोतवाली द्वारा मीट व्यापारी जो उनका शोषण हो रहा है, ज़बरदस्ती उन्हें जो है दुकानों से उठा कर लिया जाता है, फिर पैसे मांग लेते हैं। गरीब आदमी पैसे कहाँ से देगा, तो वो पैसे नहीं दे पाता तो उसके अवज में उन पर नशीली गोली लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो उसका लाइसेंस तो होगा ना? उन पर लाइसेंस है, पूरे पर उसका सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, नगर पालिका से और स्वास्थ्य विभाग से उसका लाइसेंस इशू है, लेकिन ज़बरदस्ती चल रही है, मनमानी चल रही है। कोई इसी संबंध में आज हम SSP साहब से मिले हैं सभागार, और भी मौजूद हैं, इसी बात करते हैं। मेरा नाम अकरम अली है, पार्षद हूँ मैं वार्ड 37 से। यहाँ असल में कई महीने से लगातार मीट व्यापारियों पे बहुत ज़्यादती हो रही है और पकड़ के ले जाते हैं खामखा जो SOG वाले और कोतवाली से जो हैं, और उनसे पैसे मांगे जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं तो उन पर नशे की गोली लेके लगा के जेल भेज देते हैं। किसी पे 1300 लगाते हैं गोलियाँ, किसी पर 1000 लगा देते हैं, यहाँ से बेल नहीं होती उनकी, वो फिर हाई कोर्ट जाना पड़ता है। बहुत परेशान और बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है इस टाइम। गरीब बच्चे हैं उनके, गरीब पालन पोषण दुकान से करते हैं, इसके अलावा को काम जानते नहीं हैं। तो बाकी जो है आपको मालूम ही है। अच्छा, कब से परेशानी चल रही है? ये तकरीबन 3-4 महीने हो गए लगातार, जिस 3-4 महीने बीच में 4-5 जनों को ऐसे पकड़ पकड़ कर नशे की गोलियाँ लगाकर जेल भेज दिया, उनकी बेल भी नहीं हुई है अभी। इससे पहले भी ज्ञापन दिया था आपने? इससे पहले नहीं दिया था, जब तो लॉकडाउन में वैसी ऑलरेडी बंद हुई है, तो ADM साहब ने कह के वो दुकानें खुलवा दी थी उस टाइम से। अब जो है परेशान किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। या और भी मीट व्यापारी मौजूद हैं, सही बात करते हैं जी। क्या नाम है? हमारा नाम अब्दुल सलाम है जी, आप बताएं। हमारी ये परेशानी है कि हमें लाइसेंस दे दिए और लाइसेंस देने के बाद में हम अपने परिवार को पाल लें जी। हमारा मीट व्यापारी हैं हम, अब लेते हैं 8वें दिन 10वें दिन जाके पुलिस पहुँच जाती है, भगदौड़ मच जाती है। ये चीज़ ऐसी तो है ना कि जो हम जेब में रख लें उठा के, इसलिए कारोबार की नियम परेशान है बेपना, और हमें कोई रोजगार बता दें हम और कर ले में, जब हमारे कारोबार ना है। हमारे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको पालन दे रहे हैं। दुनिया तो बता रही है कि ये जो हुकूमत है ये चाह रही है कि हर आदमी को रोजगार दिया जाए, और ना रोजगार हमसे छीना जा रहा। यहाँ और भी मौजूद है, चचा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। मेरे लड़के को पकड़ लिया नाजिम ने, SOG वाले ने, चारा लेने गया भैंस का, और वो वहाँ तेल ख़त्म हो गया, पेट्रोल पंप है, पकड़ के नहीं है, उठा के नहीं है, उस पर उसे जो है गोलियाँ लगा दी, उस पर 900 गोली। इलाहाबाद से बेल करवाने गए, ये लड़का बड़ा वाला हमारा गया, ये इंस्पेक्टर साहब ने मेरे घर पर तबीस मारी, उन्होंने कहा यहाँ से ना पकड़ेंगे, और बाहर से पकड़ के नहीं आया उसको ले आए, और ले आके नहीं आया उनसे हमने ये कही कि आप हमारा क्या गलत, नाजिम नाम का लड़का वो वारिस। अच्छा, SSP साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? SSP साहब ने आश्वासन दिया है हमें, इसमें हम पूरा गौर करेंगे, और जो पुलिस वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उनके अलग से हमने नाम दे दिए SSP साहब को, और हमें पूरा भरोसा दिलाया उन्होंने, अब आगे ऐसी कार्रवाई होगी नहीं। मान कुरैशी है, हम लोग जो है कसाईबाड़े में मीट की दुकान करते हैं, दुकान है हमारी वहाँ पर, वहाँ से पुलिस वाले आते हैं कि साहब इंस्पेक्टर साहब बात करने के लिए बुला रहे हैं, वहाँ से ले जाते हैं ज़बरदस्ती, और वो गैर कानूनी तरीके से गोलियाँ नशे की लगाते हैं हमारे लोगों के ऊपर, कई लोग जेल में भी पड़े हुए हैं, हम लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कारोबार हमारा है नहीं, यही हमारा कारोबार है, हम कहाँ जाएं, इसके अलावा हम कुछ काम कर नहीं सकते। दुनिया रोज़गार दे रही है, ये रोज़गार हमारा ख़त्म कर रहे हैं, हमें इसके अलावा हमारा चारा क्या, बच्चे परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। तीन मुन्यू कहते हैं जी इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं, वहाँ जाने के बाद में फिर वो डीलिंग करते हैं, पैसा हमारे पास है नहीं, लॉकडाउन में जो कुछ है सब खत्म हो गया, जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। जो नशे की गोलियां लगाई जाती हैं वो एविडेंस वहीं के वहीं पाए जाते हैं या थाने पर जाके लगाते हैं? नहीं, थाने पर जाके, वो तो हम तो दुकानदार आदमी, हमने तो आज तक देखी नहीं नशे की चीज़ें होती क्या, हमें खैर नहीं खबर नहीं, समझे, बीड़ी भी नहीं पीते हम तो इस चीज़ों को, हमें पता ही ना इस चीज़ की। चार आदमी हमारे अंदर जेल में पड़े हुए, गृहस्थीदार आदमी है, 4-4, 5-5 बच्चे हैं उन लोगों के, और वो किसके सहारे जिएंगे, कौन उनकी पालन पोषण करेगा, कौन करेगा? आज आपने पूरी मीट जो मार्केट है पूरी बंद कर रखी? हमने इसी वजह से आज जो है कारोबार अपना बंद कर दिया, इससे बैठ के नहीं है, किसी से उधार लेकर खा लेंगे, लेकिन ये काम नहीं करने के, क्योंकि ये इसको देखें या जेल को देखें, हम परेशान हैं, हमारे साथ में इंसाफ होना चाहिए, पुलिस वाले हमें परेशान कर रहे हैं, उनके साथ में जैसे भी मामलात हैं हमारे साथ में, इसकी जांच कर ली जाए, हम अल्लाह का शुक्र है हम लाइसेंसदारी लोग हैं,
हमारे पास कोई नंबर दो का काम नहीं, कुछ नहीं दुकानों पर। अभी की बात है, साई में गोश्त बना रहे, बेटी की शादी थी एक की, तो उन्हें बेटी के जो शादी में मीट लेने आए थे उन्हें भी ले गए उठा के नहीं, और हमें भी ले गए उठा के दुकानदार लोगों को, समझे। रात को जो है 3-4 बजे थोड़ी परेशान रहे। लड़की की शादी में भी बहुत उलझन सामने आई, बारात भी बिना खाना खाए हुए विदा हो गई, ये हमारे साथ में जुल्म हो रहा। मेरा नाम मोहम्मद मेहरबान है। मेरे भाई को जो है पुलिस वाले ले गए थे पकड़ के, SOG वाले, और जो है उनसे पैसे मांगे। कब की बात है ये? जुमेरात वाले दिन की बात है। हाँ, और जो है उन्होंने पैसे देने के लिए मना किया कि मैं कहाँ से लाऊँगा पैसे, गरीब आदमी हूँ, तो उन्होंने जो है नशे की गोलियाँ लगाकर जेल भेज दिया। चिलिंग का साफ तौर से कहना यही है कि SSP साहब को इन्होंने ज्ञापन दे चुके हैं, और SSP साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि इसकी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। गौरव वर्मा के साथ आमिर राणा, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। अब आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा आपको एक क्लिक पर। यदि आपको जरूरत है इलेक्ट्रीशियन, कार मैकेनिक, पेंटर, डॉक्टर, प्लम्बर की, तो सीधे जाइए gdsquare.com की वेबसाइट पर, जहां आपको मिलेंगे इन सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के नंबर, और नंबर्स पे कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। तो याद रहे, आपकी सभी समस्याओं के समाधान का एक ही प्लेटफॉर्म gdsquare.com। अपने जनपद से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारी खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और खबर तहकीकात की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।